आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बड़ा मलहरा में बीजेपी प्रत्याशी ललिता यादव ने अपने इलाके का जोरदार दौरा किया और मतदाताओं से कहा कि यदि उन्हें विकास चाहिए तो 28 तारीख को कमल का बटन दबाइए और भाजपा को विजयी बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ललिता यादव पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र में तूफानी चुनाव प्रचार कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वोट मांगने के लिए कई पार्टियों के प्रत्याशी आए होंगे, लेकिन आपको यह देखना है कि क्षेत्र का और प्रदेश का विकास कौन कर सकता है। भाजपा की सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं, बिजली के बिल माफ़ किए हैं, 1 रुपये किलो गेहूं दिया है, बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया है, आवास देने का काम किया है। 28 तारीख को मतदान है, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, सारी पार्टियां आपके पास वोट मांगने आ रही हैं, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 बार हमारी सरकार रही, ऐतिहासिक काम किए हैं। चाहे हम बात करें बिजली की, तो बिजली के बिल माफ हमारी सरकार ने किए। अगर 1 रुपये किलो गेहूं का देने का काम किया तो हमारी सरकार ने दिया। और अगर लाडली लक्ष्मी बनाई तो मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाई। आवास देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। सिलेंडर देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। वैसे काम हमारी सरकार ने किए हैं। भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव ने बताया कि इसके पहले वे छतरपुर में 2 बार विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं। उन्होंने छतरपुर के विकास में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने कहा छतरपुर की तरह से वे बड़ा मलहरा क्षेत्र का विकास करेंगी। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना सहयोग और आशीर्वाद देकर भाजपा को भारी मतों से विजय बनाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।